भारत की तारीफ कांग्रेस को छोड़कर बाकी सारा संसार करता है, और कोरोना में जिस ढंग से हिंदुस्तान की सरकार ने इसको नियंत्रित करने का काम किया है, दूसरे देशों की अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें कि रिकवरी रेट क्या रहा, मोर्टैलिटी रेट क्या रहा, तो उससे लगता है कि विकसित देशों से भी हमारे यहाँ पर बेहतर रहा सर। इसलिए सारे विश्व ने इसकी सराहना की है, हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सर, ब्लैक फंगस की मेडिसिन के ऊपर GST हटा दिया गया है, लगता है सरकार को कुछ रिलीफ मिलेगा? नहीं, बहुत अच्छी बात है, और क्योंकि ये एसेंशियल मेडिसिन है अब, और इससे GST हटाने से तो लाभ मिलेगा इसका। हरियाणा ने ग्लोबल टेंडर किया था जो ब्लैक फंगस की मेडिसिन है, लेकिन केंद्रीय नियमों का हवाला देते हुए जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने मना कर दिया है मेडिसिन देने से। हमने ग्लोबल टेंडर किया था, उसमें हिंदुस्तान की ही एक कंपनी ने अपना टेंडर डाला था, हमने उनको सप्लाई ऑर्डर भी भेज दिया था, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो एम्फोटेरिसिन है, जो ब्लैक फंगस का इंजेक्शन है, उसका वितरण आज भारत सरकार ने अपने हाथ में ले रखा है, इसलिए वो इस इंजेक्शन को देने में असमर्थ है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।